We could have used someone like you on my world. Your world? Beck is from Earth, just not ours. The snap tore a hole in our... My God! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? Calm. What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! No! हेलो गाइस, वेलकम टू द जापानी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टोनी स्टार के बारे में। अगर टोनी स्टार के बारे में कभी टॉपिक छेड़ा चाहे तो ये टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि टोनी स्टार कितना स्मार्ट है। अगर आपने 2008 से लेकर 2030 तक की अगर एमसीयू की टाइमलाइन देखोगे तो टोनी स्टार की जितनी भी इन्वेंशन थी उससे पहले टोनी स्टार जार्विस की मदद से पहले ही संभावनाएं कर लेता था कि अगर मैं ये इन्वेंशन करूंगा, ये काम करूंगा तो ये सही होगा कि नहीं, ये मेरे लिए फायदेमंद होगा कि नहीं। तो एवेंजर एंड गेम में टोनी स्टार ने ऐसी ही एक संभावना लगाई थी, अगर मैं मर गया तो एक मैसेज रिकॉर्ड करके जाऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिससे कि वो लोग बाद में देख सकें। तो ऐसे ही हमें एक रेफरेंस दिया गया बहुत बड़ा, जो कि इन फ्यूचर 2028 तक जो एमसीयू की मूवी आएंगी 22, उसमें हमें शायद टोनी स्टार का वॉइस ओवर एक एआई सिस्टम देखने को मिले, क्योंकि टोनी स्टार का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। तो ऐसा तो हो ही सकता है कि टोनी स्टार मैसेज रिकॉर्ड करके निकल लिए, नहीं। आपने ये जो तो अल्ट्रॉन में ध्यान दिया होगा, टोनी स्टार को पता था कि जार्विस सिस्टम मेरे से कभी भी जा सकता है, तो उसने काफ़ी सारे सिस्टम बना के रखे थे, जैसे फ्रेडी एग्जांपल। तो हाँ, जब टोनी एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकता है एवेंजर एंड गेम में, जब उसे पता है कि मैं सेक्रीफाइस हो सकता हूँ, तो वो अपने पूरी दिमाग की स्टोरेज कर एक फ्रेडी सिस्टम की मदद से अपने ही सिस्टम को एआई क्यों नहीं बना लेता, यानी कि अपने पूरे दिमाग को, जिससे कि वो आने वाली फ्यूचर मूवी जैसे स्पाइडरमैन में वो स्पाइडरमैन की मदद कर सके, पेपर की मदद कर सके, हैप्पी की मदद कर सके, जो उसके करीबी हैं, जो एआई सिस्टम को अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। ये एक संभावना है। अब ये अपडेट पता कैसे चला, इसकी कन्फर्मेशन कैसे हुई? कॉमिक बुक कंपनी, आप सभी जानते हो, बहुत बड़ी कंपनी है। डायरेक्टर जू रूसो ब्रदर्स ने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इंटरव्यू दिया, वो भी लाइव Q&A कल इवनिंग में। और ये अपडेट जैसे ही मेरे पास पता चला कि ये टॉपिक छिड़ा है वहाँ पर और एआई सिस्टम बारे में बात हुई है, तो समझ लीजिए मेरा दिमाग फिर गया। और डायरेक्टर जू रूसो ब्रदर्स इतनी जल्दी टोनी स्टार के कैरेक्टर को मार नहीं सकते। तो हाँ, हमें इन फ्यूचर एआई सिस्टम देखने को मिलेगा, चाहे आयरन हार्ट कह सकते हो आप उस सिस्टम को या एवरीथिंग, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। और जो फैंस एवेंजर 4 के बाद दुखी हो रहे थे कि टोनी स्टार का कैरेक्टर मर गया, नहीं, वो इतनी जल्दी मर नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसी संभावना है, टोनी स्टार जब अपना मैसेज रिकॉर्ड भी कर सकता है तो वो अपने दिमाग की स्टोरेज करके एआई सिस्टम भी बना सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन को तो आपको पता ही है कि कैप्टन 90s में चले गए हैं। अब जो आने वाली फ्यूचर मूवी होगी या कैमियो होंगे पैगी कार्टर के साथ, वो कैप्टन की अलग डायमेंशन की बनेगी। और आपको बता दूं, आने वाली स्पाइडरमैन मूवी में मिस्टीरियो का कनेक्शन बहुत बड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज से है, तो इन फ्यूचर हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं हमें शायद रेफरेंस टोनी स्टार का भी देखने को मिले एआई सिस्टम में, जैसा कि हम ट्रेलर में देख रहे हैं। तो गाइस, आज के लिए वैसे इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।